बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 6, थर्मोडायनेमिक्स, पार्ट 1। फर्स्ट डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? ठीक है, फर्स्ट जो है डिफिनीशन कि चैप्टर्स का कंसेप्ट क्या है, चैप्टर का जो है चैप्टर्स मीनिंग क्या है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स क्या हो गया? थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो दैट मीन्स हीट, डायनेमिक्स दैट मीन्स मोशन या मूवमेंट। आप मोशन लिख दीजिए, मूवमेंट भी लिख सकते हैं। तो क्या कंसेप्ट हो गया? हीट का मोशन, दैट मीन्स फ्लो ऑफ हीट, हीट का प्रवाह होना। ठीक है, अब हीट का प्रवाह किस टर्म में होगा ये कंसेप्ट करता है उस चैप्टर पे जो थर्मोडायनेमिक्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें कंसेप्ट मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो कंसेप्ट है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो सीधा सीधा जो कंसेप्ट है फ्लो ऑफ हीट। अब हीट का रिएक्शन होता है, वहाँ पर भी हीट मिलता है। किसी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना हो या बनाना हो, वहाँ पर भी हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो इसी कंसेप्ट में है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा कंसेप्ट है, तो हीट एंड मोशन हो गया इसका कंसेप्ट, फ्लो ऑफ हीट हो गया। अब इस पार्ट में हम क्या यूज करेंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा यहाँ पर, डिफरेंट टर्म इसका यूज होता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिफिनेशन के रूप में। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डीलिंग विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर क्वांटिटीज, क्वांटिटेटिव इंटर रिलेशनशिप इज नोन एज थर्मोडायनेमिक। ये कंसेप्ट हो गया कि डिफरेंट टाइप की एनर्जी और उनके क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है, ये कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स को दिया गया, जिसमें हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अदर वेरिएबल टर्म का यूज करते हैं। इट इज मेनली बेस्ड ऑन फॉर जनरलाइजेशन कॉल्ड द जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी ये जो है थर्मोडायनेमिक्स जो है जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब लॉ है जिस पर डिपेंड है। दीज लॉज आर प्योरली बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड हैव नो थ्योरेटिकल प्रूफ। ये जो भी थर्मोडायनेमिक का जो कंसेप्ट लिया गया है ये ह्यूमन का, यानी मानव ने अपने विचार से इसको बनाया है, कोई इसका कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल प्रूफ इसका नहीं है, ये एक अपनी तरफ से प्रूफ लेकर बनाया है। तो दो तरफ से, थ्योरेटिकल प्रूफ होता है बाय एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, और एक अपने आइडिया से, विचार से उसको बना दिया गया है। तो यही कंसेप्ट इस पर भी लागू किया गया है। दीज लॉ आर प्योरली बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड हैव नो थ्योरेटिकल प्रूफ। हाउएवर दीज कंट्ररी टू दीज लॉ हैज बीन फाउंड सो फार एंड आल्सो नथिंग इज एक्सपेक्टेड। यानी टोटल जो आपका थर्मोडायनेमिक का जो कंसेप्ट है चैप्टर का, वो हमारा एक बेस्ट है किस पर? एक्सपीरियंस पे। यानी जो हम भी साइंटिस्ट हैं उसको अपने विचार का यूज करके उस कंसेप्ट को बनाए हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के माध्यम से नहीं है। तो अब हम थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन के टर्म में हो गया। अब जो है कुछ टर्म है थर्मोडायनेमिक्स, कुछ कंसेप्ट यूज किए गए हैं उसको आपको समझना है। थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं इसके अकॉर्डिंग जानने, चैप्टर को डिटेल स्टडी करने के पहले कुछ कंसेप्ट बने हुए हैं। वो कंसेप्ट है आपका सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ये तीन कंसेप्ट पर इस पर कुछ इसको दिए गए हैं। ठीक है, हमने जो इस फिगर में यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ये फिगर के माध्यम हो गया। ठीक है, इसमें क्या हम देख रहे हैं? एक ऑपरेटर्स है,
ऑपरेटस में कोई मटेरियल रखा हुआ है और जहाँ भी ऑपरेटस रखा हुआ है ये उसका जो एड्रेस दिखाया जा रहा है आपका सराउंडिंग के फार्म का है और ये आपका बाउंड्री हो गया। इस व्हीकल में जो टर्म रखा हुआ हमारा एक सिस्टम हो, सिस्टम दैट मीन्स जिससे हमको वर्क करना है, जिस पॉइंट पे मुझे वर्क करना है वो हमारा सिस्टम है। जैसे मान लीजिए हम अपने मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल का एक सिस्टम हो गया, जहाँ पर मोबाइल को रख दिए हैं एक बाउंड्री के अंतर्गत है और बाउंड्री क्या है किसी एक रूम के अकॉर्डिंग है या जिसको हम यूनिवर्स के फॉर्म में जानते हैं। ठीक, ये कंसेप्ट कुछ यूज किया गया ऐसे ही है। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर थर्मोडाइनमिक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द सिस्टम, वाइल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट कैन इंटरेक्ट विथ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग टूगेदर कंस्टिट्यूएंट द यूनिवर्स। मीनिंग क्या है? सिस्टम यस प्लस सराउंडिंग इक्वल यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या कंसेप्ट है? जैसे मान लीजिए ये एक आपका एक रूम है, ये रूम हमारा एक यूनिवर्स मान लिया गया। ठीक, इस रूम में हमने मान लिया कि एक जो है ये लिया, एक बॉक्स लिया। ठीक, समझो ध्यान से, ये हमारा पूरा रूम जो है एक यूनिवर्स हो गया, ब्रह्मांड हो गया। इस ब्रह्मांड में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा जो हमने एक बॉक्स लिया। ठीक, अब बॉक्स के अंदर हमने क्या रखा, एक चौक रखा। ठीक है, चौक, तो चाक को जब इसमें रखेंगे बॉक्स के अंदर तो चाक के बारे में जानकारी रखना है क्या है क्या नहीं है, तो ये हमारे एक क्या हो गया, सिस्टम हो गया, इसके बारे में स्टडी करना है। चाक कहाँ रखे हैं, बॉक्स के अंदर रखे हैं। ठीक है, बॉक्स हमारा एक बाउंड्री हो गया, यानी बाउंड्री के अंदर चाक है। ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस बॉक्स को कहाँ रखा, इस रूम के अंदर कहीं भी हमने इसको रख लिया। ठीक, तो ये हमारा यूनिवर्स हो गया, सराउंडिंग हो गया एंड सिस्टम हो गया। ये आपका एक वीकर है जो अभी बताया, और इसको हमने किसी एक ऐसे पार्ट में रख दिया जो हमारा एक यूनिवर्स फॉर्म हो गया। ठीक, ये आपका हमने कुछ मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया जिसके बारे में कुछ जानकारी लिया, कोई एनी मटेरियल ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा सिस्टम, ये हमारा होगी बाउंड्री, ये हमारा होगी सराउंडिंग के यूनिवर्स पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। द रियल आर इमेजिनरी सरफेस आर लाइन्स सेपरेटिंग टू आर मोर सिस्टम ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। जो एक दूसरे थोड़ा सा सेपरेट कर देता, अलग रख देता है। द बाउंड्री मे बी डाई थर्मिक, दैट मीन्स अलाउ प्रोसेस ऑफ हीट, आर एडियाबेटिक प्रोसेस डज नॉट अलाउ द प्रोसेस ऑफ हीट। यानी जो हमारा सराउंडिंग है वो सराउंडिंग बाउंड्री जो हमारा है बाउंड्री, हो सकता है कि वह कंडक्टर के फॉर्म का हो, नॉन कंडक्टर हो। कंडक्टर होगा तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, नॉन कंडक्टर होगा तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये सब पॉइंट्स सिस्टम पर डिपेंड करता है किस पार्ट में हम उस चीज़ को रखें और किसका हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट था जो उनका सिस्टम था, सराउंडिंग था एंड बाउंड्री था। इस फिगर की हम क्या, इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ आर मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन आर आउट ऑफ द सिस्टम। या तो इन अंदर का पार्ट होगा या बाहर से होगा। देखो फिगर में वही चीज़ बताया, यहाँ पे ये आपका कंटेनर है जिसमें एक कोई जिस लिक्विड है या अदर कोई कम संपत्ति जिसके बारे में स्टडी करना है। ये आपकी बाउंड्री हो गई जिसमें रखा हुआ पार्ट बाउंड्री दिखा दिया, बाकी का सराउंडिंग उसके चारों तरफ का पार्ट जहाँ जहाँ आप बैठो चारों तरफ का इन्वायरमेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री।
ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, वैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब कंसेप्ट है टाइप ऑफ द सिस्टम। अब हमारे सिस्टम कितने प्रकार के मान लिए गए, तो सिस्टम को थ्री टाइप को माना गया, यानी सिस्टम इज थ्री टाइप्स। थ्री टाइप कौन कौन से हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ए वन बाय वन देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ मैटर और इनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ओपन सिस्टम, एन ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज इनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स। क्या कह रहा है? ये एक ऐसा सिस्टम हो जो ओपन हो, खुला हुआ हो, इनर्जी एक्सचेंज कर रहा हो। जैसे मान लीजिए है, आप किसी का आपने हीट किया इसको, और यहाँ पर मान लीजिए कोई मटेरियल है लिक्विड के फॉर्म का है, तो क्या हीट करें तो वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या, ये पूरा पार्ट आपका ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है, ये तो रखा हुआ है, खुला हुआ ओपन है, तो पूरा एक्सचेंज कर रहा है। किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं? ओपन सिस्टम। द बाउंड्री हियर इज नॉट सील्ड एट नॉन इंसुलेटेड, ठीक है, थर्मली, दैट इज इट इज जनरली इमेजनरी, ठीक है, जनरली इमेजनरी मान लिया गया। फॉर एग्जाम्पल्स प्रेजेंस ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर, ठीक है, रिएक्शन अकरिंग इन ऑल लिविंग सिस्टम्स कार इंजन एटसेट्रा, फॉर सच सिस्टम्स डेल्टा एम नॉट इक्वल जीरो, डेल्टा ई नॉट इक्वल जीरो, दैट इज चेंज इन मास एंड इनर्जी इज नॉट जीरो। यानी जो चेंज हो रहा है इनर्जी और मास, वो जीरो नहीं है। तो ओपन सिस्टम में क्या एक्सचेंजिंग इस फॉर्म का है? ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए हमने एक फिगर को ड्रा के लिया है यहाँ से, इसी को एक दूसरे फॉर्म यहाँ बना लिया गया। देखिए एक सिस्टम, ये सराउंडिंग हो गया, ये वीकर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, वीकर में कोई लिक्विड मान लीजिए कोई मटेरियल फॉर्म का है, तो जिसको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है? इसको हीट कर दिया है, हीट सराउंडिंग हीट कर दिया, तो क्या वेपर के फॉर्म में ऊपर भगेगा, गैस के फॉर्म में होगा, तो वाटर वेपर यहाँ पर इंडिकेट करके दिखाया गया है, और क्या देखा, हीट, ठीक, एंड आल्सो हीट, वाटर ये कंसेप्ट का ये सिस्टम हो गया। तो ये इससे क्या है, मास चेंज नहीं हो रहा है, इनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो कंसेप्ट है इसको ओपन सिस्टम के फॉर्म में कहा गया है। यहाँ पर क्या है, ये आपके एक क्लोज सिस्टम के फॉर्म, देखिए फिगर ए, वाटर केप्ट इन ओपन वेसल, ठीक है, बी रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन ओपन सिस्टम, ये आपको यहाँ दिखाया दिया है, ठीक, CO2 गैस के रूप में आपको दिखाया गया है, समझ में। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, पार्ट जो है आपका ऊपर से, जैसे मान लीजिए लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है इस फार्म में, इसको आप क्लोज कर दीजिए, तो जो वेपर होगा ऊपर आउटसाइड तो जाएगा नहीं वेपर के फार्म में, क्योंकि क्लोज हो चुका है, नहीं जाएगा। अ क्लोज सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज मैटर विथ इट्स सराउंडिंग बट कैन एक्सचेंज इनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वर्क्स या रेडिएशंस, दैट इज हियर द बाउंड्री इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड। सील तो कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं है जो हमारा बाउंड्री है, जो सिस्टम जाए जिसमें रखे हुए हैं, यानी जो बाउंड्री है, जो कंटेनर है, वो हमारा क्या है, इंसुलेटेड है। दैट इज हॉट वाटर केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर, तो जब कोई वाटर उसमें हीट करके रख दिया गया, तो क्या वेपर जो बाहर तो निकलेगा नहीं, ठीक है, तो होगा क्या, तो फॉर सच सिस्टम डेल्टा एम इक्वल टू जीरो, डेल्टा ई नॉट इक्वल जीरो, मतलब एक्सचेंज जब होगा तब तो ये होगा,
नहीं होगा तो नॉट इक्वल जीरो होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, डज नॉट एक्सचेंज मैटर, जो भी मटेरियल है उसमें उसके मास में चेंजिंग नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो आपका जीरो के फार्म दिखा जाएगा और इनर्जी क्या आपका चेंज के फार्म में हो रही है। सराउंडिंग बट कैन एक्सचेंज इनर्जी इन द फार्म ऑफ हीट के रूप में होगा, भाई जब हीट होगा तो कुछ आपको टेम्परेचर महसूस होगा कंटेनर को टच करने पर, तो वो उसी के फार्म में दिखा रहा है। तो ये चीज़ हमको इसको ध्यान रखते हुए रखना है कि क्लोज सिस्टम में डेल्टा एम इक्वल टू जीरो, डेल्टा ई नॉट इक्वल जीरो, ओपन सिस्टम में डेल्टा एम नॉट इक्वल जीरो, ठीक है, डेल्टा ई नॉट इक्वल जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर इनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, दैट इज हियर द बाउंड्री इज सील्ड एज वेल एज इंसुलेटेड, दैट मीन्स थर्मस फ्लक्स। ये कह रहा है भाई आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर इनर्जी हीट के फार्म में ट्रांसफॉर्मेशन न हो। इसे हम लोग एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क, ठीक है, रख देते हैं कोई गर्म चीज़ किया हुआ उसमें रख देते हैं कई घंटों तक, क्या गर्मी रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी हीट जो है आउटसाइड से इनसाइड भी नहीं आया और इनसाइड से आउटसाइड भी नहीं गया, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो मास में भी कोई चेंज नहीं हुआ, इनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एम इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, ये कंसेप्ट होता है आइसोलेटेड सिस्टम को माना जाता है, ठीक है। तो थ्री टाइप के सिस्टम जनरली यूज किए गए हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। थोड़ी सी डिफरेंस है और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं इसमें। देखिए हमने यहाँ पे फिगर को इंडिकेट किया है, ये आपका बिल्कुल ऊपर से क्या है पैक हो चुका है, तो ये आपका हो गया क्लोज सिस्टम के फॉर्म का, ठीक है। वाटर प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड वेसल और रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन इनक्लोज्ड सिलेंडर के रूप में इसको दिखाया है, ठीक। तो ऐसे कोई भाई ऐसा फिगर बनाया, एक सिंपल फिगर बना के उसमें इंडिकेट कर दीजिए, उसमें ऐसा कुछ ही नहीं, पार्ट सही रहना चाहिए आपका, राइट रहना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम जो था उसका फिगर यहाँ हमने इंडिकेट किया, तो ये चूंकि आइसोलेटेड सिस्टम जब वहाँ पर बन जाएगा तो ऐसा उस ऑपरेटर्स ही बनाया जाता है कि प्रयास किया जाता है कि बाहर का इनर्जी हीट अंदर ना आने पाए और अंदर का हीट बाहर न जाने पाए, ठीक है, इस तरह से सिस्टम बनाया गया। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। अब जो है इसी से एक प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम एक टर्म कहा गया है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ मैटर इन द बल्ब, दैट इज इन लार्ज एक्सेस एंड द प्रॉपर्टीज अराइजेस बिकॉज ऑफ बल्ब बिहेवियर ऑफ मैटर आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और बल्ब प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। बड़े पैमाने पर जो चीज़ें हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज रखी गई हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रखा गया है जिसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या बताया गया है, द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी ये जो प्रॉपर्टीज है एक ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटीज, वो किसी क्वांटिटी को डिपेंड नहीं करता साइज ऑफ द मैटर कि वह साइज छोटा है या बड़ा पार्ट का है। इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी कंसंट्रेशन सरफेस टेंशन, ठीक है, विस्कोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन। ये कंसेप्ट क्या है, ये प्रेशर कह रहा डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी,
और साइज ऑफ मैटर। प्रेशर की बात हो रही है, साइज मैटर पर क्या नहीं डिपेंड है, कितना बड़ा कितना छोटा उसे नहीं। तो कह रहा प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी, ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, सरफेस। कंसंट्रेशन क्या है, जैसे मान लीजिए एक टी है, तो टी अगर आपको ड्रिंकेबल है, पीने लायक टी है, तो भी आपका टी ही रहेगा। ज़्यादा मात्रा में बनाओगे तब पर भी वो टी ही बनेगा कंसंट्रेशन के फार्म। तो उसका कंसंट्रेशन जो है टेस्ट के रूप में, हाँ टी का जो टेस्ट है वो अच्छा है। तो यही कंसेप्ट, ऐसे टर्म को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटीज और साइज ऑफ द मैटर्स आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये कह रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वहाँ पर होगा जहाँ पर उस मैटर का साइज पर डिपेंड करेगा, छोटा साइज है या बड़ा साइज का है। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम गिव्स एनर्जी जी, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी एच, एंट्रोपी मास, वर्क इंटरनल एनर्जी, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट सो ऑन। इट मे बी नोटेड दैट द रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इन नेचर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइज पर डिपेंड कर रहा है। जैसे वॉल्यूम है तो कोई पार्टिकल छोटा साइज का होगा तो उसका वॉल्यूम छोटा होगा, बड़ा साइज का होगा तो उसका वॉल्यूम बड़े साइज का होगा। और जो टर्म में गिव्स एनर्जी, एंथैल्पी, इस चैप्टर में हम लोग आगे एक एक डिफिनीशन के रूप में इसको स्टडी करेंगे, लेकिन इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसका एक एग्जाम्पल्स हैं सब। ठीक है, इफ एक्स इज एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन मोल्स ऑफ द सिस्टम, देन द मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एक्सियम इज इंटेंसिव बिकॉज इट रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ वन मोल ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या है एक्स अपान एन, क्या एक नंबर के फॉर्म का होगा भाई, ये भी कोई नंबर होगा, मोल नंबर ही होगा, 1, 2, 3 फॉर्म के फॉर्म, कोई भी अमाउंट होगा, 10 kg, 2 kg, 5 kg या मीटर्स के फार्म का ये आपका नंबर है, इसका जो रेशियो क्या होगा, एक नंबर के फार्म के आ जाएगा, तो जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ग्राम। मोलर वॉल्यूम वीएम एंड मोलर हीट कैपेसिटी सीएम, उसको नोटेशन है वो, इसको नोट किया गया सीएम एंड वीएम, मोलर वॉल्यूम, मोलर कैपेसिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये कंसेप्ट है, डिफिनीशन है, एक दूसरे का अपोजिट ही है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एग्जाम्पल्स जो दिया बिल्कुल लर्न कर लेना एग्जाम्पल्स को, एग्जाम में बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूछता है कि विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, उसमें उठा कर रख देगा कोई एक, तो इसलिए एग्जाम्पल को लर्न करना जरूरी है, नेसेसरी है। स्टेट ऑफ द सिस्टम, इसमें क्या बताया गया, इफ द वैल्यू ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर डिफिनिट देन द सिस्टम इज सेड टू बी डिफिनिट स्टेट। द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में, एटसेट्रा, आर कॉल्ड आल्सो स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन एज देयर वैल्यू डिपेंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट ऑन द पाथ फॉलो। ये कह रहा है जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से विद्यालय आना है, तो घर से आप चले इनिशियल पॉइंट हो गया, विद्यालय पर आए आपका फाइनल हो गया, बीच का पार्ट ये नहीं डिसाइड करता आप कैसे आए, या साइकिल से आए, स्कूटर से आए, ट्रेन से आए, इससे नहीं मतलब इसका, ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल टू फाइनल, यानी आप अपने घर से इनिशियल पॉइंट हो गया और विद्यालय पहुंचे आपका फाइनल पॉइंट होगा, ये आपको डिपेंड करता है कि बीच के रास्ते आप कैसे आए, इससे इसका डिपेंड नहीं करता है, इसी को कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम।
स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन द वेरिएबल डिपेंडिंग ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। इसी को एक अदर फॉर्म रखा है, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर एंड सो ऑन। ये सब एग्जांपल हैं जो हमारे हमेशा इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड एंड फाइनल पर डिपेंड करते हैं, बीच के पार्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो थर्मोडायनेमिक में इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट मान लिया गया है, तो इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पार्ट था जिसको आपको समझना है, स्टडी करना है। थैंक्स।